फॉर्मूला, एक फॉर्मूला काफी है और 100 फॉर्मूला भी कम है। फिर मैंने आपको काफी टाइम दिया, अरे पे काफी प्रैक्टिस करवाई, काफी क्वेश्चंस किए। तो एक बार आप लोग जो है खुद से एनालाइज कीजिएगा, और मैं आज आ रहे कि आ रहे कि कुछ लास्ट एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा, ठीक है। मैं आपको याद होगा मैंने एक लेवल 2 नाम की एक फाइल भेजी थी, मैं उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए। असली बात नीरज जी प्लीज अनम्यूट कर लें। क्वेश्चन जैसे कि एक 8वां नंबर क्वेश्चंस है, उस 8वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये विनोद प्रॉब्लम क्या है, इसको बार बार चेंज क्यों, स्विच क्यों कर रहा है? एक मिनट सुन दीजिएगा। बिनो जी क्या प्रॉब्लम है, बार बार आप है इस पे टेलीफोन पे क्यों चले जाते हो? मैं आवाज आ रही है आपको? ओके, आपने लिंक को कॉपी कहाँ पेस्ट किया? आप उस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कॉपी पेस्ट करो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मेल पे जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक को कॉपी कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है डिफॉल्ट कंप्यूटर इंटरनेट के लिए, उस पर खोलिए, समझ गए? लिंक को कॉपी कीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, वहां पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड के रन होगा। आपके इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्रोम में इस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम ए में काफी नंबर्स हैं, ठीक है। मुझे इस नंबर में ये पता करना है कि कितने यूनिक है और कितने डुप्लीकेट्स हैं। तो हमें क्या पता करना है कि कितने यूनिक है और कितने डुप्लीकेट्स है, ये हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना है इस कॉलम ए के अंदर। तो अगर हम नॉर्मल देखें, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कंप्यूटर की बात करें, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। कि काउंट इफ हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसी के अंदर काउंट करेंगे और नीचे से ड्रैग कर दें, तो वन वाले वापस एक और हम काउंट इफ करेंगे, जो वन वाला है उसको हम काउंट कर लेंगे, और जो आपका ग्रेटर देन वन है उसको हम डुप्लीकेट के लिए काउंट करेंगे, यूनिक के लिए वन काउंट करेंगे। वापस हम काउंट इफ में लगा के बता ही देता हूं कि यहां पे इक्वल इसको सिलेक्ट। विनोद जी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कॉपी पेस्ट कीजिए ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अरे आप, मैंने क्या आप सुना नहीं आपने, मैंने लिंक को कॉपी करके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बोला, खोलने के लिए बोला हूं मैं। मोजिला आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। तो आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए, ई करके जो होता है ना एक्सेल के अंदर में, इसमें अंदर में इंटरनेट में, उस पे जाइए आप। क्रोम मोजिला कुछ मत खोजिए, ठीक है। तो ये यूनिक एंड काउंट के लिए होता है, लेकिन इसी को हम एरे के जरिए हम कैसे करें? तो एरे के लिए हम के जरिए हम करने के लिए हम क्या करेंगे यहां सर, एक क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है, कौन सा क्वेश्चन है एक्चुअली मिस कर गया। पे, मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए यहां पे हम करेंगे सम काउंट इफ, हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल वन एंड वन दे दिया। इस पे हम डबल क्लिक किए, कंट्रोल से चल गया।
क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे कितने यूनिक है और कितने डुप्लीकेट है, ठीक है। इस नंबर में कितने यूनिक है, मतलब कि एक नंबर एक ही बार रखा है, और कितने ऐसे नंबर मोर देन वन टाइम है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें इक्वल टू वन क्यों दिए? इक्वल टू वन मतलब जिसका काउंट जो है वन है, इट मीन्स यूनिक है, जिसका काउंट वन नहीं है वो यूनिक नहीं है। इसमें हमें इफ कंडीशन लगाना था, माफ कीजिएगा, इफ कंडीशन छोड़ दिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के एवलेट कीजिए, फिर देखिए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है सर? ठीक, गूगल क्रोम पे ज्वाइन कीजिए और वहां पे देखिए स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, खोजिएगा उसमें स्विच टू, उसी में देखिएगा स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन का ऑप्शन आएगा। हाँ ठीक है, सॉरी सर। तो यहां पे यूनिक, यहां पे डुप्लीकेट, हमने क्या किया, फॉर्मूला एवलेट करते। काउंट इफ क्या करेगा, इस जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स का काउंट निकालेगा कि कौन मोर देन वन टाइम है, ठीक है, मोर देन वन टाइम है। जहां जहां वन है वहां वहां इफ इक्वल करेगा कि वन है, और जहां जहां वन है वहां वहां आपको ट्रू आ जाएगा, और जहां जहां ट्रू है वहां पे वन टाइप कर देगा, फिर सम क्या करेगा, वन को सम कर देगा, तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। विपिन जी समझ में आया एग्जांपल? यस सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इक्वल टू वन वाला भी ये कंफ्यूजन दे रहे हैं। अरे इक्वल टू वन, इक्वल टू वन बेसिक आप नहीं समझे इसको। देखिए हमने लगाया फॉर्मूला की काउंट इफ पूरे में इसको काउंट करें, तो ये क्या करेगा, 70 कितना बार है ये दिखा दिया, 54 कितना बार है दिखा दिया। अब मुझे इसमें से निकालना है कि कितने यूनिक है, तो हम क्या करेंगे, वन वाले को सम करेंगे ना। इसलिए इक्वल टू हमने बोला कि काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू वन। अब हमें यही फॉर्मूला मुझे डुप्लीकेट के बनाना है कि भाई मोर देन वन टाइम कितने नंबर है, तो उसके लिए यहां पे हमें ग्रेटर तो वन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? समझ गया समझ गया, ओके क्लियर क्लियर। हाँ तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास यहां पे नंबर दिया हुआ है, एक टेक्स्ट और नंबर दोनों आपस में इस तरह से कंबाइन है, इसमें से मुझे सिर्फ नंबर को रिमूव करने हैं, इसमें से क्या करने हैं, ओनली फॉर नंबर्स को रिमूव करने हैं, सॉरी माफ कीजिए एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है करने का, तो चलिए हम इसको अगर मैनुअल हमें अलग करना हुआ तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें मिड लेफ्ट राइट ऐसा कुछ तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि
बीच में ही हो, और अलग-अलग आपके हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग हो सकते हैं, मतलब कि कभी पहले स्टार्टिंग में हो जाएगा, या बीच में होगा, या लास्ट में होगा, बस मुझे इसमें से नंबर्स को अलग करने हैं, डिजिट्स को अलग करने हैं। तो मैं एक छोटा डिजिट लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारा 7 7 का है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉमा लगाऊंगा मिड का। अगर मैं नॉर्मल बेसिक नॉर्म कंसेप्ट में आपको बताऊं तो सबसे पहले कॉमा लगाऊंगा मिड का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड कॉमा वही कर्ली ब्रैकेट वाला सिस्टम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ही होगा ना, 7 एंड कॉमा 1, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसने क्या किया, सारे नंबर को हमने अलग अलग एक अलग अलग सेल में रख लिया, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को हमने एक अलग अलग सेल में इस चेक कर लिया। जी बोलिए। दिया ये ऐसे डिजिट देना पड़ता है या तभी वो अलग करता है? एक जरूरी नहीं है, हमें नहीं देना होता तो यहाँ पे 1, 2, 3 तरह देना पड़ता। ये तो जिस चीज ये डिस्कस कर चुका हूं मैं सर, ये तो हमने पहली अरे क्लास में ओके सर, डिस्कस किया है। ओके सर, ठीक है सर, नहीं क्यों नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा? आ गया सर। अगर नहीं करना पड़ता तो 1 इसमें 2 अलग अलग फॉर्म में लगाने पड़ते, जैसे वी लुक का भी तुमने किया था, वी लुक का बैर याद होगा, हाँ याद है सर। याद रखा था उसे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 या +0 ऐसा कुछ करूंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसा करने से क्या होगा कि जो टेक्स्ट होगा उसकी रिजल्ट एरर आएगा, और जो नंबर होगा वो नंबर यहां पे आ जाएगा। फिर मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला इज एरर का। इज एरर क्या करेगा, अगर एरर हुआ तो ट्रू दे देगा, अगर एरर नहीं हुआ तो फॉल्स दे देगा। जरा ब्लैंक लगा है। जी आपने ये ब्लैंक का फॉर्मूला लगा इज दिया। एरर लगेगा। तो फॉल्स आ जाएगा। फिर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैच का, मैच फॉर्मूला को बोलूंगा कि ट्रू को सर्च करो, किसके अंदर, इसके अंदर। एंड फिर यहां पे कॉमा जीरो देता हूं। हेलो जी, मैं क्लास दे ले रहा हूं सर, मैं आपको आधे घंटे कॉल बैक करूं इसी नंबर पे। तो ये आ गया चौथा नंबर। चौथा नंबर मतलब हुआ कि इसमें आपका जो नंबर है वो स्टार्ट कहां से है, ये पोजीशन हमें पता चल गया कि नंबर स्टार्ट कहां से है। अब मुझे ये पता करना है ये कितने डिजिट है, आखिर में ये है कितना डिजिट। इसके लिए मैं काउंट इफ यूज किया और इस पे मैं दे दिया फॉल्स, तो पता चला कि अच्छा यहां तक आ गया इस तरह से।
नीरज जी प्लीज म्यूट कीजिए, आपके पीछे से म्यूजिक आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मेरा नंबर स्टार्ट कहां से है और कितना डिजिट है। तो इसमें मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड कॉमा 4, 3, ये हमारा नंबर अलग हो जाएगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट, समझ में आ रहा है मैथमेटिकल कंसेप्ट नीरज जी? ये एरे नहीं है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब इसको हमें एरे के फॉर्म में डालना होगा, तो हम इसको टुकड़ों में करेंगे, पहला करेंगे इसको, दूसरा करेंगे इसको। विनोद जी क्या प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, आपका हेडफोन क्यों नहीं मैंने डिटेक्ट कर रहा है? अच्छा ठीक है सर, ओके। तो दो अलग अलग करेंगे, पहला हमारा मैच के लिए होगा, दूसरा हमारा काउंट इफ के लिए होगा, ठीक है? फिर हम इसको आपस में कंबाइन करेंगे। तो टुकड़ों में रही, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो एरर समझने से पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हर नंबर को अलग अलग करना है, फिर जितने भी नंबर अलग हुए हैं उसको मल्टीप्लाई बाई हमें 1 करना है। मल्टीप्लाई बाय 1 करने से क्या होगा, टेक्स्ट और नंबर अलग हो जाएंगे, टेक्स्ट और नंबर हमारा अलग हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहां पे इज एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। इज एरर का फॉर्मूला क्या करेगा, यहां आपका नंबर होगा वहां पे फॉल्स देगा, देन मैच क्या करेगा, फॉल्स उसकी पोजीशन निकाल देगा। उसके बाद अगेन काउंट इफ क्या करेगा, फॉल्स से उसका काउंट निकाल लेगा कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है, देन मीट उसका फाइनल रिजल्ट देगा। तो चलिए इसको हम वन बाय वन करते हैं। फॉर्मूला है मैच, अब मैच के अंदर में हम लगाएंगे, हमें फॉल्स को मैच करना है, तो फॉल्स को मैच करना है किसके अंदर, तो इज एरर में मिड, मिड में हमने सेलेक्ट किया इसको, एंड रो नंबर, यहां पे रो नंबर दिया इनडायरेक्ट के साथ, एंड कॉनकेटेनेट लेन, एंड कॉमा वन। एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्टमेंट। कंट्रोल से एंटर कीजिए, कंट्रोल से एंटर, ये वन क्यों आ रहा है? हाँ, इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं किया हुआ है। इज मिड का जो रिजल्ट है, मिड के रिजल्ट में हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 1, कंट्रोल एंटर, रिजल्ट 4 आ गया। अब दूसरा, ये समझ में आया आपको लतीफ जी, दत्ता जी? हाँ, अब दूसरा पार्ट निकालना है काउंट इफ में, इसका काउंट काउंट आ जाए कि कितने इसके काउंट है। हम काउंट इफ डायरेक्टली लगा रहे थे क्योंकि काउंट इफ एरे को सपोर्ट नहीं कर सकता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमने मैच लगा दिया ना, तो मैच तो चलो एरे सपोर्ट करता है, एरे एक्सेप्ट करता है, बट काउंट इफ एरे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसको हमें दूसरे तरीके से हमें करना होगा, दूसरे तरीके से मतलब कि ये जो इज एरर आप दिख रहे हैं इतना तो इसका होगा ही होगा, ये पार्ट तो मेन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Then मैं करता हूं कि इफ, सो यहां पे सम सम इफ इक्वल टू फॉल्स,
फॉल्स तो वन, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वन क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ एक कॉमा पड़ गया फालतू में, इस कारण से सारा है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, थ्री आ गया। फिर यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड का, मिड में हम टेक्स्ट, इसको कॉमा सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, रिजल्ट आ गया। फिर इसको कंबाइन कर लेंगे तीनों को, कॉपी पेस्ट कर दो। अब हो सकता है कि इससे बेटर फॉर्मूला भी हो, लेकिन मैं यही यूज किया, इसी चीज को चेक किया, ऐसे रिसर्च कर रहे पे इससे बेटर फॉर्मूले मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम एरे को एवलेट करते हैं, एरे को इसी तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा सर, एक सेकंड मुझे। ओके, तो एक एग्जांपल समझ में आया ना आप लोगों को, मैं पूछ रहा था। एग्जांपल समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ जी सर, समझ में आ गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये डेटा है, ये तो नहीं बताने एग्जांपल में, बता दिया आपको मैंने? नहीं बताया, बता दिया सर। इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए पहले सोचिए, इसमें हमें करना है क्या है, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, इस अमाउंट को मुझे सम करना है। ठीक है, अच्छा, डेटा इस तरह से डला हुआ है। अब सम करने का हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। कंडीशन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है, यहां पे टोटल लिखा हुआ है, कहीं पे एमआरपी लिखा हुआ है, तो हम कोई कंडीशंस नहीं दे पा रहे हैं, कोई उस नतीजे पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि यहां पे माने कि हम टोटल कैसे करें। समझ में आया? तो आपको पता है कि एक्सेल बिना किसी कंडीशंस पे चलता नहीं है, कोई ना कोई कंडीशंस तो देना ही पड़ता है। तो इसमें एक समानता है कि जो हमारा अमाउंट है वो हर तीन के एंगल पे है। हर तीन पे, हाँ ठीक है। कि पहला नेम है, दूसरा आईडी है, तीसरा अमाउंट है। पहला नेम है, दूसरा आईडी है, तीसरा अमाउंट है। तो इसको सम कैसे करें? तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे मैनुअल सम करना हो, एरे यूज नहीं करते हैं, बिना एरे का हम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा रो का, रो फॉर्मूला, रो की जगह मैं रोज लगाऊंगा। ठीक है, रो मैं कब लगाऊंगा? जब मेरा डेटा स्टार्टिंग से है तो मैं रो लगाऊंगा, स्टार्टिंग से नहीं है तो रोज लगाऊंगा। ठीक है, रो तो रो क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर मतलब कि रो नंबर शो करेगा। रो फॉर्मूला क्या करता है कि इसके बीच में मैं रेफरेंस नहीं दिया है तो ये रो नंबर शो कर रहा है। एक फॉर्मूला मेरे पास मोड का होता है जो कि रिमाइंडर निकालता है, मतलब कि शेष फल निकालता है। तो हमने तीन से भाग दिया तो उसका शेष फल निकल गया, और जहां पे जीरो आया वो क्या है? नंबर, तीन मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा नंबर, छठा नंबर, नौवा नंबर। क्या बताया आपने सर? मोड, 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 मैंने मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला शेष फल निकालता है, शेष फल रिविंदर। ओके ओके ओके, पता है शेष फल क्या होता है? हाँ सर पता है। ठीक है सर, ठीक है। तो जिसका शेष फल जीरो है मतलब कि तीन से मल्टीप्लाई हो गया है, तीन का मल्टीप्लिकेशन है, और हमें जीरो वाले को ही सम करना है।
तो मैं यहाँ पे जनरल सम इफ लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें जीरो वाले को सम करो इसके अंदर, और हमारा सम आ जाएगा 1792। ये हमारा मैनुअल कंसेप्ट है। मतलब क्या करना है कि हर किसी के रो नंबर को मोड से हमें तीन तीन का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, जहां उसका जीरो आ रहा है वहां पे हमें उसका टोटल निकालना है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम सम करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे इक्वल सम इफ, देन इफ, इफ के बाद हम देंगे मोड, मोड में हम देंगे रो, और रो में हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, और कॉमा देंगे थ्री इक्वल टू जीरो, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अरे रिजल्ट आ गया। ये काम कैसे करना है इसको देख लीजिए एक बार। हम एवलेट फॉर्मूला पे जा रहे हैं, रो हमने यहां पे रो देख लिया, हमने रो क्या है हमारा जितने नंबर रो आ गया। फिर मोड क्या कर रहा है, इसका मोड निकाल रहा है वन टू, जैसे कि यहां पे निकला था। फिर इफ क्या कर रहा है, इक्वल टू जीरो कर रहा है, जहां जहां जीरो है वहां वहां ट्रू आ गया, लेकिन ट्रू है यहां, ट्रू यहां है, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां क्या किया इफ ने, उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी थी कि 64 34 34 64, और फिर सम ने लास्ट उसको सम कर दिया 1700। तो जो काम अरे इसी चीज के लिए मशहूर है कि जो काम आप इतने सारे सेल्स में ना कर सके वो काम वो एक एक सेल में कर देता है अरे फॉर्मूला। सर एक एग्जांपल ये सिक्स नंबर था, हां पूछिए। नो सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी हमने जो किया है जो हाइफन है वो एंड से जुड़ा है, एंड परसेंट से फोर्थ नंबर साइड है, फोर्थ नंबर देखना सर, एक नहीं फाइव, हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें जो हाइफन है वो एंड परसेंट से जुड़ा है क्या? नहीं नहीं अलग है, ये अलग चीज है। बोले क्या बोल रहे थे सर, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ सर, अभी जो हमने किया था अभी जैसे हेडिंग है, तीन चार हेडिंग है, ठीक है, जैसे आपने नाम ले लिया वाली शीट खोलना जो जिसपे भी हम कर रहे थे, ठीक है, जैसे नाम है, ठीक है, आईडी है, अगर मैं कंपनी के उस बिहाफ में बात करूँ, जैसे कंपनी नेम है, वेबसाइट है, स्विच बोर्ड नंबर है और पर्सन के नाम है, तो ये हेडिंग होगी, ठीक है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो सपोज मैंने सारा डेटा अरेंज कर लिया और किसी अनदर बंदे ने यही सेम काम किया, लेकिन जो हेडिंग है ना वो आगे पीछे उसने कर दिया। जैसे मैंने किया, मैंने वेबसाइट और कंपनी वेबसाइट और एड्रेस दिया है, उस बंदे ने क्या कर दिया कि कंपनी तो सेम है, वेबसाइट की जगह एड्रेस कर दिया और एड्रेस की जगह उसने वेबसाइट कर दिया, तो मतलब आगे पीछे कर दिया डेटा। तो अगर मुझे इसको अरेंज करना हो तो कर सकते हैं किसी फॉर्मूले के थ्रू? नहीं, फॉर्मूले के थ्रू आप फॉर्मूला अरेंज के लिए की नहीं, कैलकुलेट करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं मैं इसलिए अगर कोई और कोई फॉर्मूला जैसे अगर ऑफसेट लगाते हैं प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अरेंज करने के लिए तो ही होगा, फॉर्मूला कैलकुलेशंस के लिए होता है, कैलकुलेट करने के लिए होता है, नॉट अरेंज। जैसे मैंने जैसे हमने आज किए थे जैसे मैच और क्लियर, कोई कहेगा कि मैच और ऑफसेट फॉर्मूला के जरिए कॉपी पेस्ट करा सकता हूं, नहीं करा सकते ना। तो जो आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि आपका डेटा दिक्कत हो गई, तो आप अगर ये करना चाहते हैं, मैंने कि रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं कि आपके आपकी डेटा और आपके जो फ्रेंड ने भेजा उसका प्रॉपर अलग अलग हो गया, उसके बीच में अगर रिकन करवाना है, कॉलम उल्टा सीधा है, तो उस केस में मैच ऑप्शन लगा के हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जहां ऑफसेट और ऑफसेट और वो क्या बोलते हैं मैच का तो लग गया, लेकिन इसमें हमें एक चीज और करना होगा ना, जैसे फॉर्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो वो चीज नहीं मिल रहा कि ऑटोमेटिक चेंज कैसे करवाएंगे, क्या ऑटोमेटिक अगर हमें फॉर्मूला अगर ब्रेक, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे फाइल मेल कीजिए फिर इसमें आएंगे, ऐसे तो इमेजिन नहीं कर पा रहे कर करना क्या चाह रहे हो। तो आपने डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड नहीं कर रखा है, अगर डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड होता तो मैं आपकी स्क्रीन देख सकता था,
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ये हमारा एरे के चैप्टर था। अब कुछ लोग ये जानते हैं कि एरे को और ज्यादा कैसे सीखा जाए, तो देखिए एक बुक है जिसको आप लेके एरे को और ज्यादा सीख सकते हो। अगर आप एरे में और ज्यादा बढ़ना चाहते हो तो आपको एक बुक है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जो कि आई थिंक 1000 रुपए की 500 के 800 रुपए के आसपास है, उसको आप मंगा सकते हो और उसके जरिए आप सीख सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर बुक। है डाउनलोड होता है? नहीं ये डाउनलोड नहीं होगा, इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर अच्छा इसको मंगाना पड़ता है। तो इसमें इसने बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं यूज एरे के एग्जांपल्स हैं और उसमें सब टोटल वगैरह का यूज करके बताया गया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल प्ले पे भी इसका जो है ना, इसे गूगल बुक पे भी मिल जाता है, जो कि आप फ्री में इसको पढ़ सकते हो। आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते हो बट यू कैन रीड इट। गूगल किस में देगा? गूगल बुक। हाँ गूगल बुक होता है ना। सर एक आज हेल्प भी चाहिए था मुझे, थोड़ा 2 मिनट मतलब लगेगा आपका। हेलो। हाँ बोलिए सर। वो डेटा जरा इसमें डाल दो ना मेरे लिंक से, एक और बाकी होते हैं ये हो गए। हाँ सर वो मैंने प्रोग्रामिंग चेंज वर्क कर दी है, पूरी हो गया है। अब जो है आपको जो है वीडियो लिंक मेल पे आ जाया करेगी हर हर क्लास के बाद, ऑटोमेटिक यूट्यूब आपको भेज देगा। सर क्या हो रहा है मेरे से कुछ मिस हो रहा है ना, तो वीडियो नहीं मिल रहा है मुझे। वो सारे वीडियो अभी तक की जो पूरी जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी क्लासेस की वीडियो में अपलोड कर लिया है और आपको जो सर मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वो 2013 में 2013 में मैंने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है ऑफिस, उसमें मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ सर, बस प्ले कर रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए पूरी, मैंने सारी जितने भी ये है ना मतलब कि वीडियो है मैंने YouTube प्राइवेट पे डाल दिया है, ठीक है? डाउनलोड नहीं हो रही सर वहाँ। यार YouTube प्राइवेट पे चली जाएगी तो वहां से डाउनलोड तो इजी से कर लोगे ना। आपने सर YTD से बताया था ना सर मुझे, YTD से भी नहीं हो रहा। YTD से नहीं हो रहा है? रो कैसे हो कैसे डाउनलोड YTD सर आप ये करो YTD से आप ये करो सर कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। हाँ YTD में जाओ लिंक कॉपी पेस्ट करो डाउनलोड के लिए, थोड़ा सिंपल सा है। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर एक बार ना बंद करने से पहले मेरा एक एक्सेल शीट देख लेना है, ऑफिस का प्रोजेक्ट है कल सबमिट करना है, हो गया पूरा कंप्लीट, बस थोड़ा सा रह गया कुछ क्वेरी है। सर ये वाला है डेटा बेस। हेलो दिखाओ। हेलो एक मिनट, वन बाय वन पूछिए ना, ये शोर में जा रहे, वन बाय वन पूछिए ना, वन बाय वन। सर ये है मेरा प्रोजेक्ट। देखिए सारा मेरा जी का प्रोजेक्ट देखिए आप लोग। सर ये ना कुछ हमारे मतलब टेनेंट का वो है मतलब जो पेमेंट डिटेल है जो हमारे मतलब करना क्या है, तो इसमें क्या है मैंने सी डंप फाइल में डंप से हमने यूनिक प्रॉपर्टी कोड निकाला बाय फॉर्मूला, ओके उसके अकॉर्डिंग ये हमें बताता है कितना पेमेंट हमारा इनिशिएट हुआ कितना नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने पीवेट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये जो है ना ये नो, जो नो है वो पेमेंट नहीं आया है, जो यस है वो पेमेंट डन है, ओके। लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पीवेट को तो ये हट जा रहा है, नो यस वो एक ही में मिक्स हो जा रहा है जाके, तो फिर से इसको अलग अलग कैसे करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट
आप कह रहे हो कि आपने पीवट थे, दोनों अलग अलग पीवट है कि एक ही पीवट है आपका? दोनों एक, मतलब नीचे वाला तो अलग पीवट है, ऊपर वाला अलग पीवट है, ठीक है, नीचे वाला को ये है, ऊपर वाला ये है, तो लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो यस वाला अमाउंट है और नो वाला अमाउंट है एक ही में ऐड हो जा रहा है, ये बाइफर्केट कैसे हो गए? एक मिनट, तो आपने एक मिनट कर्स रखिए, पे है ना आपका डेटा का, ये जहाँ डेटा से आपका लगा हुआ है, ये डेटा यहाँ से लगा हुआ है यूनिक से, ओके, नहीं आपने पे ले रखा है ना, नो इसे स्क्रॉल कीजिएगा एक बार, हाँ पे यहाँ पे सारा नो ही है, यस का है इसमें, हाँ यहाँ पे, लेकिन जो आ रहा है पेमेंट ना, एक कुछ कंडीशन है इसका यस के लिए यहाँ पे, आई डोंट नो क्या कंडीशन है, यहाँ कुछ तो जो यस का अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं वो पे है आपका, पे को रखा हुआ है, हुआ क्या था बताता हूँ उसमें क्या है, आपका जो ए पिवट लगा हुआ है उस समय आपके डेटा में यस था, लेकिन अब आपके डेटा में यस नहीं है, जैसे आप रिफ्रेश करते हो डेटा आपका चेंज हो जाता है, इसलिए दोनों मिक्स हो जाता है, अब डेटा में आप यस हो जाएगा आप यहाँ यस नो यस आ जाएंगे, नीचे वाला सर ये भी मर्ज हो रहा है, नीचे वाला भी वही सेम वही प्रॉब्लम है, डेटा आपका अपडेट हुआ है, ये जो पिवट जो लगा, आपने पिवट नहीं लगाया ना इसको, किसी और ने लगाया है? नहीं ये लगा होता है, मैंने बस इसमें चेंजिंग करा, इस फॉर्मूले में चेंजिंग करा थोड़ा बहुत, हाँ वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है, जो आप पिवट जब लगा था उस समय कुछ और डेटा था और आपने जो चेंज किया कुछ और डेटा हो गया, तो वो डेटा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं आया, क्योंकि डेटा चेंज हो गया आपका, आप खुद देखो ना आपकी इसमें आपका जो है ना ये देखिए ऊपर वाला ए आपका एजिंग है ना, अब एजिंग में जो आपके पास आ रहे हैं आप यूनिक में जाके देखिए है वो सारे कंडीशंस नहीं है, नहीं यूनिक में तो ये वाला यहाँ पे नहीं, यहाँ फॉर्मूला था मेरे कुछ होगा वो है नहीं यहाँ पे सारे एजिंग, देखिए आप ये देखिए यहाँ पे ये जो के कॉलन है तो पूरा डॉट में है ही नहीं, क्या दिखेगा आपको? सही बात, समझ गया? समझ गया, समझ गया। तो फॉर्मूला जो आपने लगाया है उसमें प्रॉब्लम है, उसको आप सही करो, अब फॉर्मूला क्या है थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे एक दिन में नहीं बता सकता ना, नहीं नहीं वो समझ गया मैं सर, यही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ डेट आ रहा था कुछ देर पहले, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक चीज और लास्ट लास्ट फॉर्मूले में आपने एक पॉइंट और प्लस लगा रखे हैं सर, हेलो हाँ बोलिए, ये जो जब मैंने देखा एक पीवेट लगाते हैं यहाँ पे, देन पीवेट को रिमूव कैसे करते हैं, जब पीवेट लगा होता है यहाँ पे देन मैंने पेस्ट रिमूव कैसे होता है, जो कॉपी करके उसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट मार दीजिए, ऑल्ट यस भी कर दो उसके ऊपर, हाँ पूरा सीट को कॉपी कीजिए वैल्यू पेस्ट मार दीजिए, आप लोग भी जान जाइए अगर आपने पीवेट लगा रखा है और पिवट को रिमूव डेटा रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि पिवट को रिमूव कर देना, पिवट हट जाए, तो पूरे सीट को आप कॉपी कीजिए उसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, आपका पिवट रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ओके हेलो, हाँ आप बताइए क्या पूछ रहे थे आप लोग, हेलो सर जी कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे ये बता दो आप सर, डाउनलोडिंग के लिए वही मैं आपको YouTube रहा हूँ, यूट्यूब पे जो लिंक आपको आएगा उस लिंक को कॉपी कीजिए, एंड YTD नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ डाउनलोडिंग यूट्यूब के वीडियो को डाउनलोड करने, वो तो सर मैं समझ गया, लेकिन सर जो तो सर लेकिन हम आपके पास वो हमको कैसे पता चलेगा ये हमारा वीडियो है, वो आपको आपको मेल पे आएगा सर, मैंने इसमें YouTube का मैंने प्रीमियम YouTube का मैंने प्रीमियम वर्जन मैंने परचेज कर लिया है, उसपे मैं जैसे कि आपका वीडियो अपलोड करूंगा और आपकी मेल आईडी मेंशन कर दिया है, जैसे वो अपलोड होगी आपके पास ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा, अभी थोड़ा देर देख लीजिए ना, अभी आधे घंटे में आपको खुद ब खुद मेल आ जाएगा YouTube.com के तरफ से, मैं उस पर वीडियो लिंक सारी मेल्स आ जाएंगी, पुरानी भी हाँ पुरानी पुरानी वीडियो भी मैं अपलोडिंग में लगा रहा हूँ, दूसरा सिस्टम पिछले मतलब कि एक हफ्ते से यही काम कर रहा है मेरा, जो है 600 GB का डेटा अपलोड कर रहा है, ओके ओके ओके, इतने समय भी 1 वीक
हाँ तो सारे वीडियो अपलोड होगा और बैच बाय बैच सबको मेल चली जाएगी। एक बार मेल आपके पास यूट्यूब से आएगा, 10 20 50 ऐसा मेल आएगी, सारी क्लासेस का लिंक होगा उसमें।